मोदी जी जो जा रहे हैं लोगों से वोट मांग रहे हैं या आप भी जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओ लेकिन उनकी अगेंस्ट में एक भी चेहरा हमको नजर नहीं आता आप हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए एक वरदान है लेकिन इस बार तो राहुल गांधी भी उठ खड़े नहीं हो रहे हैं या फिर उनके लोग जो हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस से उनके लिए वोट नहीं मांग सकते हैं तो ऐसी देखिए देश में पहली बार अपोजिशन को जब पूछा गया कि आपका उम्मीदवार कौन है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे पहले तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ही नहीं है अब तो उसके आगे बढ़कर उनके कई नेताओं ने बयान दिया हम चार पांच लोगों को मुख्यमंत्री प्रधान प्रधानमंत्री बना सकते मतलब हर वर्ष एक प्रधानमंत्री क्या देश ऐसा चलेगा ये देश है या कोई बिजनेस है कि इस साल प्रेसिडेंट तू अगले साल प्रेसिडेंट मैं इस प्रकार से देश चलेगा तो मुझे लगता है कि अपोजिशन न नेता है न नीति है न नीयत है और मुझे इस बात का दुख है क्योंकि किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के नेता भी देश हित में सोचने वाले होने चाहिए वो भी परिपक्व होने चाहिए यहाँ तो इमेच्योरिटी दिखती है लेकिन इसमें एक डीप थॉट है अगर पाँच साल हर साल अगर मुखिया बदल दिया जाए तो जब एक कोई मुखिया आता है आप भी पाँच साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहें तो एक थॉट प्रोसेस होती है कुछ चीज़ें जो प्रोसेस में होती है उसे कल्टीवेट होने के लिए एक समय लगता है अगर उसके दौरान दूसरा कोई चेहरा आ गया तो ये तो खिचड़ी से भी बुरी हालत हो जाएगी जी बिल्कुल मतलब एक प्रकार से आप देखिए एक जमाने में एक साल का मेयर होता था तो उस मेयर का आधे छे महीने उसके मेयर बना इसलिए सत्कार लेने में स्वागत लेने में जाते थे और अंत के छह महीने लोग कहते थे ये तो जाने ही वाला है इसका क्या सुनना है तो एक साल ऐसे निकल जाता था कि वो क्या करे इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री अगर अस्थिर है तो समझना देश अस्थिर है स्थिर प्रधानमंत्री के सिवाय कोई देश स्थिर नहीं हो सकता स्थिर सरकार के सिवाय कोई देश स्थिर नहीं हो सकता तो एक प्रकार से अस्थिरता फैलाने का प्लान विपक्ष कर रहा है